अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू कुक विद सोनिया। और मैं हूँ सोनिया। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देसी स्टाइल दूध पत्ती। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप दूध पत्ती बना रही हूँ, तो 2 कप ही हमें दूध चाहिए। ये सॉस पैन है, इसमें हम ये दूध ऐड कर देते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ओके जी, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा घूंट, 1 घूंट पानी का हमने डालना है। एक पिंच सॉल्ट का हमने डालना है। सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर दूध पत्ती, डालना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जो है। सॉल्ट की वजह से जो टेस्ट बनता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। शुगर, ये जो टेबल टीस्पून है, टैंक है उसमें आती है पैकेट में, वो 1 टीस्पून भर के बस आपने डाल देनी है। आई डोंट लाइक शुगर मच, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब आपने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करना है और आपने इसको 1 बॉईल आने तक पकाना है। बॉईल आ गया है इसका, 1, 2 ढाई टीस्पून, ये वाली हमने यूज़ की है जो चीनी के अंदर होती है। नाउ लेट इट बॉयल। और इसका जो उबाल है वो ऊपर तक आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। स्लो डाउन द फ्लेम। इसको बॉयल आ गया है, आपने इसकी हेल्प से इसको फेंटना शुरू करना है। फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता करके इसको आपने यूं फेंटना है, बिल्कुल दम की आंच कर दें इसकी। आपने इसको कॉन्स्टेंटली हिला के देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बट हमें अभी ये कलर रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा डार्क कलर मुझे अच्छा लगता है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे ताकि इसका कलर आए। हमने फ्लेम मीडियम कर दी है, कीप ऑन बीटिंग इट। कुछ लोग कहते हैं मेरी वीडियोस थोड़ी लेंथी होती हैं, तो वो लेंथी वीडियोस बस इसीलिए होती हैं ताकि मैं आपको एक एक स्टेप दिखा सकूं। एज आई टोल्ड यू, माय चैनल इज़ फॉर बिगिनर्स, तो जल्दी जल्दी में लोग जो वीडियोस बना के डाल देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आ गया है एंड मैं बहुत सब सीख गई हूँ। ओके, ये देखिए हमारा कलर, डिज़ायर्ड कलर हमारा आ गया है। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें, इसको थोड़ा सा फ्लेम ऑफ कर दें और चाय डाल दें। स्ट्रेनर रखें और चाय को डाल दें। दूध पत्ती इज़ रेडी। आप इसको ऐसे भी पियेंगे, बहुत टेस्टी लगेगी, वरना आप इसको पापे के साथ, केक रस के साथ, पेस्ट्रीज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।
और एक और मेन बात, आप जो दूध के ऊपर वाली बलाई होती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।